बिहार को मिली 4 नई ट्रेनों का बड़ा तोहफा, और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे सभी नई ट्रेनों के डिटेल्स और उनके टाइमिंग की पूरी जानकारी के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। रेलवे बोर्ड की ओर से आयोजित एग्जामिनेशन को लेकर के हजारों की संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं, और रेलवे की इस परीक्षा में बिहार से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं इस बार, और परीक्षा केंद्र अन्य शहरों में होने की वजह से पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ हो जाती है। और इंडियन रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनों का बड़ा तोहफा दिया है और इसका संचालन करने की तिथि जारी कर दी गई है। जिन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, आइए उन ट्रेनों के लिस्ट और उनके टाइमिंग्स की जानकारी आपको दे दिए चलते हैं। पहली ट्रेन पटना से मेरठ सिटी के बीच चलेगी, और यह ट्रेन 03257 के साथ पटना से मेरठ सिटी के बीच चलाई जाएगी। शाम में यह ट्रेन 4:55 पर पटना से प्रस्थान करेगी, और अगले दिन सुबह में 11:10 पर यह ट्रेन मेरठ सिटी पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 16 जून को रात में 9 मेरठ सिटी से ट्रेन नंबर 03258 के साथ पटना के लिए रवाना की जाएगी, और अगले दिन शाम में यह ट्रेन 5 पटना पहुंचेगी। इस ट्रेन में 14 स्लीपर कोच के साथ साथ साधारण श्रेणी के 2 कोच लगे रहेंगे, और यह ट्रेन आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाराणसी प्रतापगढ़ लखनऊ मुरादाबाद हापुड़ रेलवे स्टेशन में इसका स्टॉपेज रहेगा। इसके अलावा बड़ौनी से लखनऊ के बीच दूसरी जोड़ी नई ट्रेन चलेगी, और यह ट्रेन 05203 के साथ 14 और 15 जून को चलाई जाएगी। सुबह 8:20 पर यह ट्रेन बड़ौनी से प्रस्थान करेगी, और रात 9 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 15 और 16 जून को रात 8 लखनऊ से ट्रेन नंबर 05204 के साथ बड़ौनी के लिए प्रस्थान करेगी, और अगले दिन सुबह 9 यह ट्रेन बड़ौनी जंक्शन पहुंच जाएगी। यह ट्रेन वाया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा सिवान गोरखपुर रेलवे स्टेशन होते हुए बड़ौनी पहुंचेगी, जिसमें आपको सुविधा के तौर पर 14 स्लीपर कोच और 2 जनरल क्लास के कोच लगे रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ इस वीडियो को शेयर करें नई ट्रेनों के अन्य अपडेट के लिए।